ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लेकर वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ है। सर, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसको लेकर आप कुछ डिटेल में बताइए और क्या कहेंगे? देखिए, ये धरना प्रदर्शन उन बड़े बुजुर्गों के लिए है जिनकी पेंशन अरविंद केजरीवाल सरकार 2017 से रोक के बैठी है। हमारी ये मांग है कि इन बड़े बुजुर्गों को पेंशन देना आपकी ड्यूटी थी। ये पेंशन उनका अधिकार है, उनका हक है, वो भीख नहीं मांग रहे आपसे। लेकिन आप भ्रष्टाचारी हैं, अपने शीश महल पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, 6-6 लाख के 6-6 करोड़ के पर्दे लगाते हैं, 12-12 लाख की टॉयलेट सीट लगाते हैं, लेकिन इन बुजुर्गों को देने के लिए आपके पास 2,500 रुपये नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी नीयत क्या है। ये दिल्ली का वो श्रवण कुमार है जिसने अपने माँ बाप की जेब काटी, उन्हें दुख दिया है। लेकिन दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी वो पहले थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव आते हैं इन लोगों का ये सब शुरू हो जाता है चुनाव करना। चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल झूठी घोषणाएं करते हैं। कल कह रहे थे कि मैं बिजली के पानी के सभी बिल मत भरो, मैं माफ कर दूंगा। तुम तो पानी फ्री दे रहे थे दिल्ली को, तो बिल कैसे आ गए? अरविंद केजरीवाल जवाब दे, बिल कैसे आ गए? तुमने जल बोर्ड को भी 73,000 करोड़ के घाटे पे ले आए। तुम वो भ्रष्टाचारी हो, वो दीमक हो जो दिल्ली को धीरे धीरे चूस के ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए दिल्ली वालों से हम डिमांड करें कि अब इस सरकार की रवानगी का समय आ गया है। दिल्ली वालों को जो हक चाहिए, जो उनके अधिकार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। हमसे बात करने के, तो आपने सुना वीरेंद्र सचदेवा जी को जिन्होंने कहा कि केजरीवाल सरासर झूठ बोल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। पहले बिजली के पानी जो है और बिजली बिल जो है मुफ्त करा दिया था, और अब से बिजली बिल जो है आने लगा है दिल्ली सरकार में। लेकिन जिस तरह की बातें आम आदमी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, वो सरासर गलत है। और कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को बिजली का बिल अब देने लगी है, जो भी मुफ्त सुविधाएं थी वो खत्म कर दी गई है। तो हम ये सारी चीज़ें यानी बीजेपी वापस से ये सारी चीज़ों को लागू करेगी।